न्यूक्लियस एंड रेडियोएक्टिविटी, ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। न्यूक्लियस एंड रेडियोएक्टिविटी, तो काफी हद तक चीजें आपको पता है न्यूक्लियस के बारे में, उसका क्या होता है न्यूक्लियस एंड ऑल आपको पता है, पहले से पता है। मैं जल्दी जल्दी से इसको स्किप करूंगा कि न्यूक्लियस के बारे में आपको पता है कि ये किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट है ना, वो सब चीजें। तो ज्यादा हम लोग फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ते कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। और मुझसे बेटर तरीके से आप ये जानते होंगे, कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड सो ऑन। न्यूट्रॉन कंसिस्ट होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इनको कंबाइंडली आप एक नाम देते हो, न्यूक्लियॉन्स, कंबाइंड फॉर्म है, इसको न्यूक्लियॉन का नाम दिया है, ठीक है। और नॉर्मल सिंबल में आप कैपिटल जेड को अगर आप एटॉमिक नंबर मानते हो, कैपिटल जेड एटॉमिक नंबर, और कैपिटल ए अगर आप उसका मास नंबर लिखते हो, तो नॉर्मल केसेस में आप ये कह सकते हो कि ए माइनस जेड जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी, और कैपिटल जेड इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। प्लस जेडी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेडी है। उसके अलावा मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो गई हैं। और इसका मास क्या होगा, अगर इसकी डिस्कशन करिए कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, तो यहां से थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। यार मास ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी कि जो हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस दो तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, जिसको हम एलजेब्रा के हिसाब से बात करते हैं, तो एलजेब्रा फॉलो करेंगे तो एलजेब्रा के हिसाब से क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू जितने प्रोटॉन्स हैं जेड, अगर आप एम पी से कह दो कि ये मास ऑफ वन प्रोटॉन है, एम पी इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, और एम एन मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हो, इस तरीके से मान लें अगर, तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड फॉलो करोगे, बिकॉज जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस कैपिटल जेड इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये सिंपल सा थ्योरी, ये एलजेब्रा के हिसाब से, एलजेब्रा मतलब थ्योरी के हिसाब से, तो इसको हम थियोरेटिकल मास भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस है और जो उसका एक्सपेरिमेंटल मास है, दोनों में फर्क आता है, थियोरेटिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास के अंदर फर्क है। मतलब अगर हम लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर न्यूक्लियस का मास मेजर करने के लिए जाएंगे तो वो मास डिफर करता है इस वैल्यू से, इस वैल्यू से कुछ डिफर करता है, ठीक है। सो जो इसका एक्सपेरिमेंटल मास है, एक्सपेरिमेंटल मास का मतलब हुआ मेजर्ड इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मास, उसको आप एम ई से डिनोट करो, ई फॉर एक्सपेरिमेंट, और इसको एम टी से डिनोट करें, टी फॉर थ्योरी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस है वो लेस है देन इट्स थियोरेटिकल मास, और ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, थियोरेटिकल मास के बीच में और एक्सपेरिमेंटल मास के बीच में जो फर्क है, डिफरेंस, उसको डेल्टा एम कह सकते हैं, और इसको नाम दे दिया गया है, यहाँ पर एक यूनिक नेम दिया गया है इसको, कॉल्ड एज मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये पहली डेफिनेशन है मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस एज पर मैथमेटिक्स एंड एज पर द एक्सपेरिमेंट्स आर डिफरेंट एंड द डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये तो हो गया कि मास डिफेक्ट क्या है। पॉइंट ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा थ्योरी वाला मास है वो ज्यादा है और एक्सपेरिमेंट वाला मास कम होता है हमेशा, तो डिफरेंस क्यों है मास में, तो वो इसका इसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो मॉडर्न फिजिक्स में ही आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप इस चीज को देखो तो मैं आपको ना एक सिमिलर एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि ये न्यूक्लियस का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल न्यूक्लियस का नहीं है, ये एग्जाम्पल जो है एटम्स का है। मान ले आपके पास दो पार्टिकल्स हैं,
जैसे एग्जांपल, एक प्रोटॉन है और एक दूसरा पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज और ये +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये है, ये दो चार्जेस है और ये दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और दोनों ही रेस्ट की कंडीशन पे हैं, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट कंडीशन पे है, दोनों ही पार्टिकल्स रेस्ट के मोड में हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम के पास एनर्जी कितनी होगी, अगर आप एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करो तो एनर्जी ऑफ सिस्टम यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको देखो मैं एक और बताऊं, मॉडर्न फिजिक्स की जो फेमस इक्वेशन जो बार बार आप कहते हो E=mc², ये एक फेमस इक्वेशन है मॉडर्न फिजिक्स की, और उसके अलावा जो मास है उसको भी मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा गया है कि ये m नॉट जो कि रेस्ट मास होता है डिवाइडेड बाय 1 - v² डिवाइडेड बाय c², ये दो तीन फैक्ट्स जो जनरल टॉपिक हमारा मॉडर्न फिजिक्स के बिगिनिंग में हुआ था वो यूज करेंगे यहाँ पर। तो अगर उसको हम यूज करें, देखिए तो क्या बनना चाहिए उसको, अगर आप यहाँ पर यूज करो तो रिजल्ट आपका कुछ ऐसा बन रहा दैट एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में जाएंगे तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट पर बॉडी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्लासिकल फिजिक्स में, बट मॉडर्न फिजिक्स में इवन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब भी उसमें कुछ एनर्जी होती है और उसको आप रेस्ट एनर्जी का नाम देते हो कि एनर्जी एट रेस्ट विल बी द मास एट रेस्ट इंटू c² एम नॉट c², ये आप कहते हो कि रेस्ट पर जब मास होता है तो वो एम नॉट इंटू c² होता है। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू c² प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c² ये होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओगे तो कैपिटल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पर R इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से जो इन बॉडीज में मासेस हैं उन मासेस के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज होंगी, इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। नाउ ठीक है, अब अगर आप इनको क्लोज लाओगे, इन दोनों पार्टिकल्स को अगर काफी क्लोज लाएं, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन उसके क्लोज आकर के उसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ आकर के रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दे, तो यही चीज अब एक हाइड्रोजन एटम बन जाएगी, हाइड्रोजन एटम हो गया ये, और जब ये हाइड्रोजन एटम हो जाता है तो आप रिकॉल करें n=1 क्वांटम नंबर n=1 क्वांटम नंबर n=1 पे इसकी एनर्जी को एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये डिस्कस हुआ था कि नाउ द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको रिकॉल करिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन एटम के फॉर्म में आता है तो एनर्जी उसकी नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन विदाउट एटम है, यानी कि आइसोलेटेड है, वो एक दूसरे से दूर दूर है, तो जब वो एक दूसरे से दूर दूर है तो उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जब वो एक एटम बन जाते हैं तो उनके पास नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी चले गए, तो इसका मतलब एटम के फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी हमेशा। लेकिन आइंस्टाइन का ये कहना था, या उनके जैसे और जो साइंटिस्ट मॉडर्न फिजिक्स जिन्होंने दी है, उनका ये कहना था कि जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड, विच मींस इफ मैकेनिकल एनर्जी इज रिड्यूस्ड सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज। मॉडर्न फिजिक्स कहता है इफ द एनर्जी रिड्यूसेस इट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मास, एनर्जी एंड मास दे आर इक्विवेलेंट। मॉडर्न फिजिक्स में कहा गया कि आप एनर्जी इंक्रीज कर सकते हो, एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हो, बट उसके इक्विवेलेंट मास भी एडजस्ट होगा, और यही इस इक्वेशन का मतलब होता है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो अगर सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हुई है, इस फॉर्मूले से देखो आप, फॉर्मूले से अगर हमारा सिस्टम का, हमारी इक्वेशन है E=mc², तो अगर E रिड्यूस करेगा तो उसके इक्विवेलेंट मास भी रिड्यूस होगा। दैट मीन्स
कि अगर आप इसका मास ऑफ एटम फाइंड करेंगे तो मास ऑफ एटम जो होना चाहिए, यहाँ पर टोटल मास कितना है आपके पास, ओरिजिनली आपका टोटल मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मास होगा। लेकिन एटम का मास इससे कम आएगा, आई मीन थोड़ा सा मास रिड्यूस करेगा, बिकॉज सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो रही है, करस्पॉन्डिंगली मास भी रिड्यूस कर जाएगा उसका। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल मास ऑफ एटम, प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एटम इज लेस देन मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द रीजन इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू अ लॉस ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सम मास डिक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये मैंने आपको एटॉमिक लेवल पे समझाया, यही चीज आप न्यूक्लियस के लेवल पर भी देख सकते हो। बट क्वेश्चन ये होता है ना कि वो गया कहाँ पर, वो जो एनर्जी माइनस में गई वो कहाँ चली गई, तो इसका जस्टिफिकेशन भी देते हो कि व्हेनेवर अ सिस्टम हैज अ नेगेटिव एनर्जी इट ऑलवेज मींस सम काइंड ऑफ बाइंडिंग, दैट मीन एनर्जी इज यूज्ड इन बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड प्रोटॉन। और इसीलिए इन सारे केसेस में अगर आप देखो तो बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो, दैट सिस्टम की जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये कंसेप्ट ग्रेविटेशन में भी यूज करते हो, एटम्स में भी यूज करोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स कि अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक बाउंडेशन को ब्रेक करके और आयनाइजेशन के मोड में चला जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये है लॉजिक मास डिफेक्ट का। अब आप इसी लॉजिक को न्यूक्लियस के लेवल पे देखो, आप इसी लॉजिक को न्यूक्लियस के लेवल पे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका ध्यान से बताना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और मैं अब यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, मैं अपने हिसाब से कोई डेटा यूज नहीं कर सकता, तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी बुक है जहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस मिल जाते हैं तो बताएं, अगर केमिस्ट्री की कोई ऐसी बुक है जहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस लिखे हों तो बहुत हेल्पफुल होगा, अदरवाइज देखो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आप एक न्यूक्लियस लो, लेट्स से अगर हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, कोई भी एटम ले सकते हो, न्यूक्लियस एटम, हीलियम एटम, हीलियम एटम का जो कंपोजिशन है, हीलियम एटम का, उसके अंदर दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम हीलियम एटम की बात करें तो इसका थियोरेटिकल मास, एम थ्योरी के हिसाब से चलोगे अगर आप, थ्योरी के हिसाब से, और मैं एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूक्लियस के मास की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही रखना है आपको, तो ये हो जाएगा 2 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 times मास ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम कैलकुलेट करें, तो इनकी कैलकुलेशन भी अलग तरीके से होती है, इनका एक अलग यूनिट होता है किलोग्राम्स की जगह पर। आप सबको पता होगा कि जो इन टॉपिक्स में हम मासेस को यूज करते हैं वो नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट में यूज करते हो, ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट में। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करें, एक्चुअल डेटा, आप अपनी बुक से भी कन्फर्म कर सकते हो, इंटरनेट से भी कन्फर्म कर सकते हो, बट वो साइट ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो प्रोटॉन का मास है 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट में, प्लस न्यूट्रॉन का मास अगर हम जाएं तो न्यूट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट जो है उसके अंदर 1.008665 है। अब मैंने इसीलिए कहा था आपसे कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ रेडी रहिए, अभी आप अपने लेवल पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और कोई राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लगाना है इसके अंदर, बिकॉज एक एक डिजिट इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन जो है इसमें, मॉडर्न फिजिक्स की जो प्रिसीजन है, डेसिमल के 7 place तक प्रिसाइज होता ही है, डेसिमल के 7 place तक इसकी वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यूज हैं, उनको आप इग्नोर नहीं करोगे, राउंड ऑफ नहीं करोगे, तो जैसा आंसर है एज इट इज आपको लाना पड़ेगा, जो आंसर है इसको आप एज इट इज लाएं। और उसके बाद मैं अब आपको
इसका मास जो एक्सपेरिमेंटल है वो बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटल मास जो किसी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको, एटॉमिक मास आपके पास भी टेबल होगा, आप अपने लेवल पे चेक करके मुझे आप ही लोग बताओ कि क्या वैल्यू बन रही है इसकी, मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, ठीक है। नहीं, कनक और स्तुति, ये जो आप लोग आंसर बता रहे हो ये पहला वाला आंसर है ना, ये आंसर फर्स्ट वाला है 4.03 1882, ठीक है। प्लीज मैं बार बार बोलूंगा बच्चा, आप डेसिमल प्लेसेस को डिस्टर्ब ना करिएगा इसके अंदर, क्योंकि ये प्रिसाइज है, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक डिजिट सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। और श्रेयस और संबित वर्मा, आप ये जो डेटा बता रहे हो ना ये सब कैलकुलेट करके बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपके पास केमिस्ट्री की बुक भी होगी, आप हीलियम एटम का मास चेक करो क्या होता है, हीलियम एटम का जो मास एक्सपेरिमेंटल है, दैट मीन्स की जो आपके बुक्स में दिया जाता है, बुक्स में मैं बता रहा हूं आपको इसका मास जो बुक्स में गिवन है वो है 4.0026। हाँ देखो, आर्यन सिंह ने एक डिजिट और आगे बता दिया, 4.002602, ठीक है आर्यन, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जरा देखना, आप कभी देखना, और इस यार इस चैप्टर में ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है केमिस्ट्री अभी, मतलब इनिशियल लेवल पर ऐसा है, आगे चल करके फिजिक्स आएगी इसमें, 4.002602, बट ये उसका एटॉमिक मास है। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आप पढ़िए उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या ये उसके न्यूक्लियस का मास है, आप जिस जहां से भी रेफरेंस ले रहे हो क्या ये उसका न्यूक्लियस का मास है, और क्या एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियस का मास मेजर कर पाना पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कैसे निकालेंगे और लैब के अंदर मास मेजर कैसे करोगे, यानी प्रैक्टिकली आपको सिर्फ एटॉमिक मास मिल सकता है, न्यूक्लियस का मास प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, सोमिल मोलर मास तो नहीं होगा यार, ये मोलर मास नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट है ये, तो ये एटॉमिक मास है। आप किसी भी केमिस्ट्री की बुक में या कहीं पर भी जो डेटा है स्टैंडर्ड डेटा वहां जाओगे तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए, किसका, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन का मास लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये एटॉमिक मास है। सूरज जी हाँ, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो 2 into, अब आप इलेक्ट्रॉन का मास लेस करो इसमें से, तो जब इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.000586 एटॉमिक मास यूनिट में। अब आप चेक करके बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, अलाउड है इस टाइम पर, अलाउड है क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, क्योंकि ठीक है ना, हम लोग को अपना टाइम भी मैनेज करना है, तो अभी के लिए आप अलाउ कर, अभी अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज करो, एग्जाम्स में नहीं होगा, और आप देखो कि ये वैल्यू कितनी बन रही है, 4.002602 और माइनस है ना, तो ये वैल्यू बन रही है स्तुति के हिसाब से 4.001504, ठीक है इतना रखूं, ठीक है अब देखो, ठीक है सचिन, ठीक है बच्चा इसको छोड़ दो, उतना नहीं, डेसिमल के 6 places 7 places सफिशिएंट है। समझने वाला पॉइंट देखो ना, समझने वाला पॉइंट क्या है, थ्योरी कह रही है कि ये 4.03 है और एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ये 4.00 है, तो इतना फर्क नहीं आ रहा आपको, डिफरेंट थ्योरी वाला मास ज्यादा नहीं दिख रहा भाई, तो जो थ्योरी वाला मास है वो और माइनस एक्सपेरिमेंटल मास करिए, ये वैल्यू आपकी डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट है। और अब आप ये बताओ कि मास डिफेक्ट कितना हुआ, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटर ऑन रखिए हर समय, मास डिफेक्ट कितना आ रहा है कैलकुलेटर ऑन करिए, बिकॉज अभी और भी कैलकुलेशंस करनी है हमें, अभी और भी कैलकुलेशंस होंगी, तो इसको ना मतलब जल्दी जल्दी आपके तरफ से कोऑपरेशन चाहिए मेरे को। तो ये आंसर आ रहा है 0. किसका आंसर है भाई, 0.003378। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप लोग की कैलकुलेटर पे, जो कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो वो अच्छा है, ठीक है। अब देखो कृष्णा विष्णुई का आंसर थोड़ा डिफर कर गया है, 72 और 78 में फाइट आ रही है, लास्ट डिजिट 8 है या 2 है, क्योंकि एक एक डिजिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अंबुज श्रेयस, अभी देखो अंबुज भाई लास्ट डिजिट चेक करो यार, लास्ट डिजिट 2 है या 8 है, या फिर बोलो एक एक डिजिट इंपॉर्टेंट है बच्चा, गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल,
एकाग्र अभिषेक 8 है, आर्यन कह रहे हैं 2 है, संबित कह रहा है 8 है, सचिन कह रहे हैं 2 है। अब ये फाइट है, देखिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसमें क्योंकि अगर आपका डाउट है तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। युवराज अभिनंदन 8 है, अक्षय दुबे का 8 आ रहा है, तो 8 को मान के चल रहा हूँ मैं, 8 को मान के चल रहा हूँ, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है 8 है। अब बताओ ये मास डिफेक्ट हुआ, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया, ठीक है उत्तर सही है सूरज। कनक रुक जो बच्चा, इसको बाद देखेंगे, अभी इस समय नहीं कर पाएंगे ना कि 2 या 8, बट अभी 8 मान के चलो, जो भी होगा अभी इसको कैलकुलेशन पार्ट है, लॉजिक पार्ट पे आओ। ये मास डिफेक्ट गया कहां पर, मास डिफेक्ट कहां चला गया, कहने का मतलब ये है, देखिएगा इसको सुनिए समझना, अभी कुछ आंसर मत देना आप। अब आप समझो क्या, सपोज करें कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जितने भी ये प्रोटॉन्स हैं आपके, ठीक है जो भी आपके ये प्रोटॉन्स हैं, आप ये मानो कि ये सारे प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन और ये दो न्यूट्रॉन, ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, यानी कि ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ये भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, ये भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, दे ऑल वर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयर वॉज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी ऑफ टू, नो इंटरेक्शन। तो इस समय जो मास होगा, यानी कि इस समय कोई इंटरेक्शन नहीं है इनका, एक दूसरे से अलग अलग है, स्कैटर्ड फॉर्म में, नो इंटरेक्शन, तो इस समय इसका जो मास होता है ये थियोरेटिकल मास होता है 2 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 times मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जब यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के सेंट्रल पार्ट पे आ जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस बन जाता है वो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाउ दे आर इनसाइड न्यूक्लियस, तो ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उस इंटरैक्शन को हम लोगों ने एक फंडामेंटल फोर्स के नाम से देखा है, न्यूक्लियर फोर्स, दैट नाउ दे विल इंटरैक्ट थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स, दे विल अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर, एंड जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो नाउ इनका जो मास है ये अब एक्सपेरिमेंटल मास है, which is less than the theoretical mass. Einstein formula E equals to mc square के हिसाब से यहां पर जो भी एनर्जी होगी वो रेस्ट एनर्जी होगी, और यहां पर जो इनकी एनर्जी होगी वो रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि मास रिड्यूस हुआ है यहां पर, तो अगर मास रिड्यूस कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिड्यूस करेगी, तो अगर यहां पर जो भी इनकी रेस्ट एनर्जी थी उससे कुछ कम एनर्जी आपको मिलेगी यहां पर, यानी यहां पर अगर आप एनर्जी लिखोगे तो नाउ एनर्जी विल बी जो रेस्ट एनर्जी था वो, और माइनस कुछ डेल्टा ई, कुछ एनर्जी कम हो जाएगा, जो एनर्जी रिड्यूस हुआ इनका वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करने में यूज होगा, और इसीलिए उसको हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, यानी कि यहां पर अगर आपको न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, तो आप कहोगे वो जो डेल्टा ई है, और डेल्टा ई हम यहां से लाएंगे, अगर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगी, सो इसे डेल्टा एम जो कि मास डिफेक्ट था, डेल्टा एम विच इज मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो अगर हम इसे हीलियम के केस में कैलकुलेट करें, हीलियम के केस में तो मास डिफेक्ट की वैल्यू आपकी ये आई है, तो ये आप क्या करोगे 0.03378 और एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर, ये कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड कंसेप्ट पे आ गया, पहला कंसेप्ट है मास डिफेक्ट का, दूसरा कंसेप्ट आ रहा है अब व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहां पर एक और चीज आपको बता दें, एक और चीज कि जो यूनिट है मास की, एक यूनिट भी होगी, देखिए यहां पर आपको एक चीज आपको नॉलेज में डाल दें कि यूनिट ऑफ मास
वैसे बहुत सारे हैं, क्लासिकल फिजिक्स में किलोग्राम है, मॉडर्न फिजिक्स में इसका एटॉमिक मास यूनिट है, एक और है E=mc² के हिसाब से यूनिट ऑफ मास जो होगा वो यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय c² होगा, एनर्जी अपॉन c². तो एक ये भी है, मतलब कि इट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय c². तो इस हिसाब से एक कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर, देन वन एटॉमिक मास यूनिट इन इज इक्वल टू 931.5 एनर्जी का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाय c², ये जस्ट एक कन्वर्जन फैक्टर है आपका, कन्वर्जन फैक्टर। तो इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करेंगे हम यहां पर, ये लिखेंगे 0.030378 एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c² लगाएंगे, और बाहर भी एक c² है, तो बाहर वाला c² और अंदर वाला c² कैंसिल, और एक बार फिर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और ये सॉल्व करके बताओ कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके आप कैलकुलेटर से देखो कि बाइंडिंग एनर्जी की क्या वैल्यू बन रही है। हाँ जी युवराज, इसको 28.29, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर लिया, बहुत बढ़िया, 0.030378 और मल्टीप्लाइड बाय 931.5। ठीक है, अब इसके अंदर आप डेसिमल के कितने प्लेसेस रखोगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएगा यहाँ पर। 931.5 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर चार है, 931.5 इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 0.030378 उसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आपका रिजल्ट होना चाहिए उसके अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब आप बताओ कि इसका आंसर फाइनली क्या लिखोगे, क्योंकि जो आप आंसर लिख रहे हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर वो डेसिमल के 6 प्लेसेस तक जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करना होगा आपको, और आप राउंड ऑफ करके बताएं कि इसका जो आंसर बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो आंसर लिखा है वो 28.297107 और कुछ लोगों ने इसका आंसर 28.29 लिखा है और कुछ लोगों ने इसका आंसर 28.30 लिखा है। तो सही आंसर क्या है, बिकॉज एक सिंगल डिजिट भी मैटर करेगा यहाँ पर, मॉडर्न फिजिक्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी है। तो आप ये सब कुछ करके देख लीजिए और फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो 28.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के न्यूक्लियस की, हीलियम न्यूक्लियस विल हैव दिस मच बाइंडिंग एनर्जी, जिसका फिजिकल मतलब होता है, बाइंडिंग एनर्जी का फिजिकल मतलब होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, और ये हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है। देखो ना, जो भी बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम चाहे आप प्लेनेटरी सिस्टम ले लो, प्लेनेटरी सिस्टम्स फिर प्लैनेट्स आर बाउंडेड बाय ईच अदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे एटम का सिस्टम ले लो वेयर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड नाउ इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस फोर्सेस। और एक बड़ी अजीब सी चीज है फिजिक्स में, जितने कम साइज में बाउंडेशन आ रही है, जितने कम साइज में अमाउंट ऑफ फोर्स उतना ज्यादा आ रहा है। अगर आप फंडामेंटल फोर्सेस याद करिए, फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल है, न्यूक्लियस फोर्स फंडामेंटल है, इन तीनों फंडामेंटल में ग्रेविटेशनल फोर्स एक बड़े सिस्टम को बाइंड करता है, वो प्लैनेट्स को बाइंड कर रहा है, सबसे वीक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम और इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन से स्ट्रांग है वो, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे छोटा साइज है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स बाइंड कर रही है एक दूसरे को वो सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, यानी जितने कम साइज के अंदर आप बाउंडेशन डालोगे फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन आर बाउंडेड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं वो, फिर भी वो एक साथ स्टे करके क्यों रह रहे हैं, जबकि उन दोनों के बीच कूलम्स लॉ के हिसाब से रिपल्सन आनी चाहिए। स्टिल प्रोटॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर स्टेइंग विथ ईच अदर, रिपल्सन के बावजूद भी आप साथ रह रहे हो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और जहां पर भी अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी हमेशा माइनस में आई है। देखो आप, ग्रेविटेशनल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज माइनस में आएगा, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, इसको ध्यान रखोगे, और इसीलिए यहां पर माइनस डेल्टा ई बन रहा आपका। एनीवे, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गया, और फाइनली इस बाइंडिंग एनर्जी को आप डिवाइड करो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, इसका मतलब आप ये कहोगे चार न्यूक्लियॉन है यहाँ पर, फोर न्यूक्लियॉन्स। तो जो 28.30 है इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए, और अब डिवाइड करने के बाद इसी चीज को हम क्या कहेंगे, जब आप डिवाइड कर दोगे तो यही चीज अब आपके लिए कहलाएगी सेम चीज, नाउ वी कॉल इट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, विच इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इट इज 28.30 डिवाइडेड बाय 4, 28.30 डिवाइडेड बाय 4, इसको 7.075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। इसका फिजिकल मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फिजिकल मतलब था टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स, रिपीट कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन आउट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि अगर हीलियम एटम से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है, जैसे एटम को आयनाइज करते हो वैसे न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को हीलियम के अंदर से बाहर निकालना है तो जो एनर्जी चाहिए आपको वो चाहिए 7.075 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दे दो एक न्यूक्लियॉन बाहर आ जाएगा, उसका आयनाइजेशन टाइप चीज हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन आयनाइज करके एटम से निकल जाता है तो वैसे न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप रिवाइज करें, मतलब जल्दी से देखो, तो नेक्स्ट वाले में इसको हम लोग और एक दो और एग्जांपल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं उसके अंदर।